अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपनी स्किन और बालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ये इशू आता है, बहुत कॉमनली एड्रेस किया जाता है और पेशेंट्स आके हमसे कंप्लेन करते हैं कि जी पूरा फेस जो है वो डल लगता है और ऐसे लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं है और डार्क सर्कल्स की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता और पूरा फेस जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता, हेल्दी लुक नहीं आती है, फ्रेश लुक नहीं आती है। तो डार्क सर्कल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। डार्क सर्कल्स तीन तरह के क्यों होते हैं? समटाइम्स ये होता है कि आँख जो है वो हॉलो आइज होती हैं और वो अंदर को धसी हुई आँख होती है, बोर्ड आए बोन होती है और आँख अंदर को धसी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको डार्क सर्कल्स हैं बट अदरवाइज आपकी स्किन का कलर ठीक होता है। जो हेलो आइज होती हैं उसके लिए हम लोग फिलर्स डालते हैं यहाँ पे, जिससे आपकी आँख जो है उसकी लुक ठीक हो जाएगी और वो अंदर को धसी भी नहीं लगेगी। समटाइम्स इस एरिया के ऊपर बोटॉक्स या थ्रेड्स भी यूज़ किए जाते हैं, पर इट डिपेंड्स, जब तक हम पेशेंट को नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आता कि उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है या किस ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की डार्क सर्कल्स होते हैं उसमें ये होता है कि यहाँ से स्किन जो है, क्योंकि वैसे ही नॉर्मली भी हर किसी की जो स्किन है आईज के अराउंड वो 3 times थिनर होती है एज कम्पेयर टू द फेस, रेस्ट ऑफ द फेस स्किन। तो उससे क्या होता है कि उससे अगर किसी की स्किन वैसे ही थिन है तो आईज के अराउंड वाली स्किन और भी ज़्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से अंदर से ब्लड वेसल्स जो हैं उनका ह्यू या उनका शेड आता है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को समटाइम्स फिलर भी कहते हैं बट उसके साथ साथ विटामिन के एप्लीकेशंस जो हैं या सीरम्स जो हैं वो ज़रूर दिए जाते हैं, ताकि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं डायलेटेड हैं और वो ज़्यादा शोएबल हैं, नोटिसेबल हैं, वो बेहतर हो जाएं। फिर आते हैं तीसरी तरह के डार्क सर्कल्स। तीसरे डार्क सर्कल्स वो होते हैं जिसमें और कुछ नहीं होता, ना तो थिनिंग ऑफ स्किन होती है, ना आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो नोटिसेबल होते हैं, शोएबल होते हैं, ना ही आपकी हेलो आईज होती है। तो फिर होता क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट होती है आपके आईज के अराउंड एरिया पे और उसके लिए एंटी पिगमेंट्री ट्रीटमेंट्स जो हैं वो घर में यूज़ करने के लिए भी दिए जाते हैं और उसके अलावा क्लिनिक में भी उसके ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। नेवरतलेस ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि एंटी पिगमेंट्री ट्रीटमेंट्स तो हम देंगे बट उसके साथ साथ जो पिगमेंटेशन है अराउंड आईज या डार्क सर्कल्स हैं उसको एनालाइज करना कि कोई इंटरनल इशू है। जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, आप एनीमिक हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके डार्क सर्कल्स अगर पहले नहीं है तो हो भी सकते हैं और अगर पहले से थे तो और भी ज़्यादा एक्सेंचुएटेड एग्जैजरेटेड जो है वो आपको नज़र आ सकते हैं, पहले से ज़्यादा बुरे लग सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो कम हो तो उसमें भी यही होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर ये सब कुछ है तो हमने क्या करना है, उसके लिए हम आपको सप्लीमेंटेशन देंगे और साथ साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पफ़ी आईज भी होती हैं कि कहीं पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आई बैग्स हैं या आँख जो है वो पफ़ी लगती है, उसके लिए डी पफिंग इंजेक्शन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिससे पफ़ी आईज ठीक हो जाती हैं। तो मैंने आपको आज बताया कि तीन तरह के डार्क सर्कल्स होते हैं और उनको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। घर में चीज़ें यूज़ करना या इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। अगर पिगमेंट ज़्यादा है आपके आईज के अराउंड तो उसके लिए जो है वो सीरम इन्फ्यूजन्स क्लिनिक में दिए जाते हैं और घर में इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं। अगर पफ़ी आईज हैं तो फिर डीप पफिंग इंजेक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा अगर हेलो आईज हैं तो फिर फिलर्स को यूज़ किया जाता है। अगर आपके ब्लड वेसल्स थिन, स्किन आपकी बहुत थिन है और ब्लड वेसल्स नज़र आते हैं तो उसके लिए विटामिन के एप्लीकेशंस और फिलर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अपना बहुत ख्याल रखें और इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कॉल करके ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।